आज की नारियों को क्या हो गया? क्या ये वो बल आप में नहीं है? वो साहस आप में नहीं है? वो शक्ति आप में नहीं है? और पुरुषों का भी वही धर्म है कि स्त्रियों के धर्म की रक्षा करना, स्त्रियों की सुरक्षा करना, ये पुरुषों का कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है, परमात्मा उसकी सुरक्षा अवश्य करता है। ये लक्ष्मीबाई उसका जीवंत और ज्वलंत उदाहरण है। इसीलिए किसी भी कीमत पर अपने ईमान को और अपने चरित्र को नहीं बेचना चाहिए। घटित घटना, लक्ष्मीबाई अपने पिता के घर से पति के घर जा रही थी, साथ में एक बच्चा था। वह ट्रेन किसी गांव के स्टेशन से गुजरी और बच्चे को प्यास लगी। बच्चा रोया। माँ बच्चे को गोद में उठाकर स्टेशन पर उतरती है, पानी पिलाकर जैसे ही पीछे मुड़ती है ट्रेन चली जाती है। वो खूब चिल्लाती है, ओ गार्ड भैया, ओ ट्रेन रुक जा। पर ट्रेन कहाँ सुननी थी, ट्रेन की चुक 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 चुक। इतनी शोर शराबे में एक व्यक्ति की आवाज कहाँ तक पहुंचती। वो रोती हुई ट्रेन की दिशा में आगे बढ़ रही थी। अब ये सोच रही थी कि मुझे अब तो यहां पर कोई बस मिलने से रही कि मैं अपने गांव पहुंचूं, अब मैं क्या करूं। इतने में एक पीछे से एक भाई की आवाज आती है जो स्टेशन मास्टर होता है। स्टेशन मास्टर ने कहा कि देवी, ट्रेन छूट गई तुम्हारी। स्टेशन मास्टर को अपना हितेशी जानकर वो औरत पीछे मुड़ती है और कहती है कि हाँ भैया, मेरी ट्रेन छूट गई, पर अब तो गांव में कोई भी बस या कुछ भी अब साधन नहीं मिलेगा तुम्हें अपने गांव जाने के लिए। तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चे को लेकर स्टेशन पे सो जाऊंगी। अरे तुम स्टेशन पे सो जाओगी, ये तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करो, मेरे घर चलो, मेरी पत्नी के साथ सो जाना। उस लक्ष्मी बाई ने सोचा कि स्टेशन मास्टर ईमानदार आदमी है, क्योंकि ये कह रहा है कि मेरे घर में मेरी पत्नी है और तुम मेरी पत्नी के साथ रह लेना, कल सुबह की जो कोई भी ट्रेन होगी मैं तुम्हें उसमें बिठा दूंगा। बेचारी रात्रि होने को आई थी, क्या करती, और कोई उसके पास चारा भी नहीं था और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वह वो स्टेशन मास्टर के घर चली गई। स्टेशन मास्टर के घर जाके देखती है, एक कमरा और दो कमरे थे। दूसरे कमरे में जाके देखती है तो कोई नहीं, पहले कमरे में जाके देखती है तो कोई नहीं, रसोई घर में जाके देखती है तो कोई नहीं, और स्नानागार में आंख नजर घुमाती है तो कोई नहीं। उसको लगा इसकी पत्नी कहाँ चली गई। ये स्टेशन मास्टर को जैसे ही पूछने पीछे घूमती है कि भैया आपकी पत्नी तो नहीं है, इतने में ही उसने दरवाजा बंद कर दिया, किवाड़ लगा दी और दोनों हाथ पीछे करके जोर से हंसने लगा और कहा कि ये रात्रि में अब तुम अकेली हो और मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई नहीं, जैसा मैं बोलूं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। अब लक्ष्मीबाई को समझते देर नहीं लगी कि ये कामांध व्यक्ति मेरे चरित्र का हनन करना चाहता है, यहां मेरी आवाज सुनेगा भी कौन। इतने में ही रात्रि जब होने लगती है, मूसलाधार बारिश पड़ती है। उस बारिश की आवाज में इस लड़की की चिल्लाहट कौन सुनता भला। उसने कहा कमरे में चलते हैं। वो लक्ष्मीबाई उस स्टेशन मास्टर को कमरे में ले आती है और कहती है कि मेरे बच्चे को संभालो, मैं जरा बाथरूम होके आती हूं। मेरे बच्चे को संभालो, उसने कहा तुम भाग जाओगी, मेरा बच्चा दे रही हूं तुमको, भागूंगी कैसे, अब तो मेरे पास कोई चारा ही नहीं है ना तुम्हारे अलावा। स्टेशन मास्टर समझता है कि अब ये मेरे झांसे में आ गई और अब इसके पास कोई उपाय भी नहीं।
लक्ष्मीबाई ने थोड़े हाथ पैर मारने की कोशिश जरूर की, पर उसने देखा कि वो बलवान पुरुष था, इसके हाथ में बच्चा भी था, ये थोड़ी निर्बल हो रही थी। इसने एक युक्ति सूझी इसको और उसने कहा कमरे में चलते हैं। कमरे में ले जाने के बाद उस लक्ष्मीबाई ने कहा मेरे बेटे को संभालो, मैं अभी आई। बेटा थमाती है उस स्टेशन मास्टर को और लक्ष्मीबाई भाग के किवाड़ खोल के बाहर चली जाती है। बाहर जाकर उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से स्टेशन मास्टर समझ जाता है, जैसे ही उसने आवाज देखी सुनी, उसने देखा स्नानागार का दरवाजा खुला है, दूसरे किसी कमरे में वो औरत नहीं है। बाहर अंदर खड़े रह के स्टेशन मास्टर ने जोर से चिल्लाया, पागल औरत, मुझे जैसा तैसा मत समझना, तेरा बच्चा मेरे पास है। उसका दिल दहल गया। माँ थी, ममता थी, वो एक किसी की पत्नी थी तो किसी की माता भी थी, पर किसी के लिए वो एक विषय वासना का पुतला मात्र थी। तीनों में सबसे बढ़कर उसे जो धर्म लगा वो अपने चारित्र की रक्षा करने का लगा। मातृत्व की रक्षा हो या ना हो, पर चारित्र की रक्षा पहले होनी चाहिए, यही स्त्री धर्म कहता है, यही नारी का सम्मान कहता है। उसने हृदय पर पत्थर रख दिया। उसने कहा मैं तेरे बच्चे को पत्थर पर पटक कर मार डालूंगा अगर तू आई नहीं अंदर तो। अगर तूने किसी को चिल्लाने की या किसी के मदद की आकांक्षा की तो याद रखना तेरा बेटा मेरे पास। लक्ष्मीबाई टस से मस नहीं हुई, जोर जोर से बाहर खड़े रह के चिल्लाती है, अरे कोई है इस गांव में, कोई ऐसा मर्द है जो इस कायर को ठीक कर सकता है। पास वाला एक व्यक्ति जो सो रहा था उसके कान में लगा कोई आवाज आई, वो उसके घर जाती है, उसका दरवाजा खटखटाती है, उठो, आपके पड़ोस में जो स्टेशन मास्टर है कामातुर हुआ पड़ा है, मेरे साथ चल सकते हो आप। उसकी वाणी में बल था, उसकी वाणी में प्रभाव था, ना कैसे बोल सकता था। पड़ोसी एक बंदा उठकर उसके साथ चलता है। पुलिस आती है, पुलिस बुलाई जाती है, ये लक्ष्मीबाई का चारित्र बल काम कर रहा है। जैसे ही वो लक्ष्मीबाई सब पीछे खड़े हैं, लक्ष्मीबाई ने कहा अब तेरा खेल खत्म हो चुका है, अगर तू ये समझता है कि मेरे बेटे को मारने की तू धमकी देगा और मैं तेरे ताबे हो जाऊंगी, मैं तेरी शरण स्वीकार करूंगी, ये सोचना भी मत, भूल जाना। इतने में एक बच्चे की चीख सुनाई देती है, वाह जोर से। लक्ष्मीबाई सोचती है कि मेरा बेटा मर गया। एक हृदय दहलता है, मां की ममता एक आंख से आंसू सारती है, पर दूसरा हृदय उसको बल देता है कि स्त्री धर्म की रक्षा होने में यदि मातृ धर्म बलि चढ़ता है तो उसे चढ़ाना ही बेहतर है। दरवाजा बाहर से खुलता है, अंदर से बंद है। पुलिस वालों ने दरवाजे को पैरों के प्रहार से तोड़ डाला। पुलिस वाले अंदर प्रविष्ट होते हैं, उस स्टेशन मास्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं, खूब पिटाई लगाते हैं, दो चार घूंसे तो लक्ष्मीबाई ने भी लगाए, उसको पूरी तरह पकड़ के उसे जेल में डाल देते हैं। अपने बेटे को ढूंढती हुई इस कमरे में आती है और देखा कि रक्त की धारा बह चली है और उस बच्चे के सिर पर चोट आई। वो बच्चे को उठाती है, सीने से लगाती है, ओ मेरे बेटे, मैं तेरी सुरक्षा नहीं कर पाई, पर क्या वो भगवान मर गया है? अगर मैंने अपने धर्म की रक्षा की है तो परमात्मा को भी अपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी। क्या उसका चारित्र बल, क्या उसकी आंतर का नाद था, वो अंतर ध्वनि थी, क्योंकि वो अपने धर्म की रक्षा कर रही थी। ऐसी नहीं थी आजकल की नारियों जैसी, किसी ने थोड़ा सा कहा उसके पीछे चलती, उसके सामने तो सारे साधन अनुकूल थे, सारे माहौल अनुकूल थे, फिर भी उसका धर्म ये नहीं कहता था। उससे अगर अपनी सुरक्षा की परवाह होती
तो वो वही करती जो स्टेशन मास्टर कहता, पर उसे अपनी सुरक्षा उसी में लगी जिसमें अपने धर्म की सुरक्षा होती है। दरवाजे के बाहर जाकर बेटे को हाथ में रख के भगवान को पुकारती है, ओ मेरे परमात्मा, ओ मेरे जीवन देने वाले, जीवन लेता भी तू है, जीवन देता भी तू है, इसको बेटा बनाकर तूने मेरे पास भेजा, आज तूने मेरी परीक्षा करके बेटे को छीना भी है, पर इस स्थिति में मत छीन कि मुझे ऐसा लगे कि मैंने अपने ममत्व के चलते, स्त्री धर्म के चलते अपने ममता की रक्षा नहीं कर पाई। आंसू आते हैं और एक सुंदर सी प्रार्थना गाती है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, बंधु सखा है प्रभु तुम ही हो, तुम ही माता हो, पिता तुम ही हो, बंधु सखा है प्रभु तुम ही हो, जितने नाते हैं इस जगत में, सब नातों में बसे तुम ही हो, तुम ही हो सच्चे मित्र हमारे, तुम ही हो सच्चे मित्र हमारे, हे सुखदाता एक तुम ही हो, कैसे पुकारे कहाँ हम जाएं। माता त्राता दाता तुम ही हो, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, बंधु सखा है प्रभु तुम ही हो। आर्त हृदय से प्रार्थना करती है, आंखों से झर 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 आंसू बहते हैं उस लक्ष्मी बाई के, आंखें बंद कर डूब जाती है परमात्मा की प्रार्थना। थोड़ी देर के बाद उसकी ममता ने फिर दाढ़ लगाई और परमात्मा को चैलेंज करी। वो कहती है, लक्ष्मी बाई, अगर तो मेरे धर्म की रक्षा करने में अगर मेरे ममत्व की बलि चढ़ती है तो हे परमात्मा, धर्म की रक्षा आज के बाद कौन करेगा? अगर तूने कहा है कि अपनी धर्म की रक्षा करने में जो अपने प्राण तक दे डालता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, अगर तू सत्य है तो मेरे बेटे को जीवित करना तेरा कर्तव्य बनता है। आप नहीं मानोगे इतना क्या कहना था, और बेटे की धड़कनें चलने लगी, आंखों की पुतलियां हिलने लगी, सांसों से उसका हृदय धड़कने लगा। उसकी माता उसे हृदय से लगाती है, बेटा तू परमात्मा का प्रसाद है और मेरे चारित्र धर्म की सुरक्षा का प्रतीक है तू। वीर नारी की जय जयकार, वीर नारी की जय जयकार, सारा आकाश इस जयकार से गूंजने लगा। ये घटित घटना आपके भारत के नारियों की थी। आज के नारियों को क्या हो गया? क्या ये वो बल आप में नहीं है? वो साहस आप में नहीं है? वो शक्ति आप में नहीं है? और पुरुषों का भी वही धर्म है कि स्त्रियों के धर्म की रक्षा करना, स्त्रियों की सुरक्षा करना, ये पुरुषों का कर्तव्य है, ना कि उसके शरीर उसके सौंदर्य को देखकर मजे लेना, ये पुरुष धर्म नहीं कहता। उसकी सुरक्षा करना पुरुषों का धर्म है, और स्त्रियों को अपने चरित्र की रक्षा करना स्त्रियों का धर्म है। जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है परमात्मा उसकी सुरक्षा अवश्य करता है। ये लक्ष्मी बाई उसका जीवंत और ज्वलंत उदाहरण है। अब ताली बजानी बनती है। इसीलिए किसी भी कीमत पर अपने ईमान को और अपने चरित्र को नहीं बेचना चाहिए। वो बहुत छोटी स्त्रियां और छोटे पुरुष होते हैं जो विकारों के आगे अपने घुटने टेक देते हैं। वो जीवन में अगर अपने विकारों से ही नहीं उबर पाए, बाकी कर क्या पाएंगे? वो तो कुत्ते बिल्ली बनने के काबिल है।
बैक्टीरिया बनने के काबिल है, मक्खी और मच्छर बनने के काबिल है, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा नहीं की।